मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कई छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामले में यूनिवर्सिटी के बाहर देर रात तक प्रदर्शन हुआ है। हजारों छात्र छात्राएं प्रदर्शन में शामिल रहे। मौके पर मोहाली के डीसी और एसएसपी भी मौजूद रहे और इस दौरान छात्राओं ने इंसाफ की मांग की। छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के बीच यूनिवर्सिटी प्रबंधन छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हुआ और इसको लेकर 10 छात्रों की कमेटी से भी बात की जाएगी। आपको बता दें कि छात्रों की मांगों पर विचार किया जाएगा। छात्राओं के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 24 सितंबर तक नॉन टीचिंग डे घोषित कर दिया है, यानी अब यूनिवर्सिटी में 24 सितंबर तक अवकाश रहेगा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन और प्रशासन के आश्वासन के बाद देर रात छात्रों ने अपना धरना खत्म किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता नितिन दीपक शर्मा का। दीपक, आपसे हम जानना चाहेंगे, धरना फिलहाल खत्म हो चुका है, आज छात्रों की एक कमेटी जो है उसके साथ प्रबंधन की बातचीत होगी, क्या कुछ रहेगा और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, पहले फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो धरना जो है देर रात तक खत्म हो चुका है, क्योंकि देर रात तक जो है छात्र अपनी मांगों पर अड़े थे। काफ़ी हंगामा जो है यूनिवर्सिटी परिसर में हुआ था और फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि 24 सितंबर तक जो है यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग डे घोषित कर दिया गया है, 24 सितंबर तक अवकाश कर दिया गया है, जिसके बाद छात्र जो है अब अपने घरों को जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको जो है लेने आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपको जो है लाइव दिखा देते हैं। लगातार पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेने सुबह से आ रहे हैं, क्योंकि देर रात जिस तरह से हंगामा हुआ था, क्योंकि छुट्टी भी 24 सितंबर तक है और पेरेंट्स सब अपने बच्चों को लेने आ रहे हैं। रात को जो हंगामा होता है उसको लेकर प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से छात्रों को आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद छात्रों की ओर से जो है ये पूरा धरना जो है वो खत्म किया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को लेकर छात्र लगातार मांग कर रहे थे कि उनको इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, जबकि सुबह की ये घटना है और 11 बजे तक बैक टू बैक जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की जाती है उसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों ने जो है सवाल खड़े किए थे कि बिना इन्वेस्टिगेशन के आप कैसे कह सकते हो कि और किसी लड़की के जो है एमएमएस नहीं बने। लेकिन रात तक जो है पुलिस का और यूनिवर्सिटी प्रबंधन का यही बयान था कि फिलहाल की जो प्रिमा फेसी जांच है जो उसमें जो है फिलहाल यही सामने आया है कि केवल जो आरोपी लड़की है उसने अपना एमएमएससी बना के जो है आरोपी लड़के को जो है वो सेंड किया था, जबकि किसी और छात्रा का जो है एमएमएस नहीं बनाया गया, तस्वीर नहीं ली गई। हालांकि एफआईआर, क्योंकि लगातार जिस तरह से रूमर उठ रहे थे या बातें उठ रही थी उसको लेकर पुलिस ने ज्यादा वक्त ना लेते हुए उसी टाइम जो है इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की, 354C के तहत एफआईआर दर्ज की और आईटी एक्ट की धारा भी जो है इसमें लगाई गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो है मोबाइल जो है इस मामले में यूज किया गया उसको लेकर आईटी एक्ट की धारा भी लगाई गई। और जिस तरह से अभी तक जानकारी मिल रही है जो आरोपी लड़की जो है गिरफ्तार की गई है उससे जो है पूछताछ की जा रही है और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो लड़का था जो रोहड़ू का रहने वाला था, शिमला के रोहड़ू का रहने वाला जो लड़का आरोपी बताया जा रहा है वो लड़की से लगातार संपर्क में था और कहीं ना कहीं छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था और ब्लैकमेल करने के चलते वो छात्रा जो है उसको अपनी वीडियोस जो है वो भेज रही थी। इस तरह की जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है और अगर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है तो माना जा रहा है कि कुछ और धाराएं भी जो है एफआईआर में जोड़ी जा सकती है। एक और आरोपी को जो है शिमला के डली इलाके से गिरफ्तार किया गया, देर रात दोनों को गिरफ्तार किया गया। दीपक, एक बहुत छोटा सा सवाल है कि प्रबंधन से छात्रों की जो कमेटी बनेगी उनकी मुलाकात तकरीबन कितने बजे होगी, बातचीत कितने बजे होगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी में मीडिया की एंट्री जो है टोटल अब बैन कर दी गई है, मीडिया को अंदर जो है नहीं जाने दिया जा रहा है अब। हालांकि छात्रों की कमेटी जो है देर रात बनाई गई थी क्योंकि लगातार छात्र मांग कर रहे थे, उनकी कमेटी बनाई गई थी और कमेटी लगातार आज बैठक नहीं करेगी, लगातार जो है प्रबंधन से बैठकें करेंगी। जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जो एसआईटी बनाई गई है, वो जो उसकी जो भी जाँच होगी वो जांच को जो है ये कमेटी जो है लगातार मॉनिटर करेगी, क्योंकि देर रात तक
बहुत सारे रूमर्स भी थे, बहुत सारी हकीकत भी थी, और इन तमाम बातों को समझाना कहीं ना कहीं प्रशासन और प्रबंधन के लिए छात्रों को समझाना मुश्किल हो गया था, जिसको लेकर देर रात तक हंगामा होता रहा और आखिरकार प्रशासन और प्रबंधन, यूनिवर्सिटी प्रबंधन जो है, छात्रों को समझाने में कामयाब रहा और कमेटी एक बनाएगी, यही जो छात्रों की कमेटी बनाई गई है इस पूरे विषय पर अभी चल रहा है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।